रामगढ़ थाना क्षेत्र के SBI ब्रांच के समीप सोमवार को 3 बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में CMS कंपनी के कर्मचारी नवनीत मिश्रा पुत्र अरविंद मिश्रा के आंखों में मिर्ची झोंककर 5,28,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से हरकत में आई पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कर्मचारी को थाने ले जाकर लूट के संबंध में जानकारी हासिल की। आपको बता दें कि कंपनी का 5,28,000 रुपए लेकर नवनीत मिश्र बैंक में जमा करने जा रहे थे, तभी एक ही बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने आंखों में मिर्ची झोंककर घटना को अंजाम दिया और बैग छीनकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के CCTV फुटेज को खंगाल रही और कर्मचारी से भी पूछताछ कर रही है, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि SBI ब्रांच के निकट एक कर्मचारी के साथ लूट की सूचना प्राप्त हुई है। उसके पास 5,00,000 कैश था, जिसको बदमाशों ने कर्मचारी के आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट लिया। SSP ने बताया कि एक बाइक पर 3 लोग सवार थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था। SSP ने बताया कि कर्मचारी से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, फलमंडी चौकी प्रभारी अभय मिश्रा सहित क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, रामगढ़ ताल में एक कैश कलेक्टर से लूट की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कि लगभग 5,00,000 रुपया उनके पास था, जो 3 बाइक सवार मिर्ची डाल के इनकी आंखों में छीन कर ले गए। इस पर मैं और DIG साहब मौके पर पहुंचे हैं, जो कैश कलेक्टर है उनसे पूछताछ कर आगे कार्रवाई की जा रही है। करीब 5,00,000 का टोटल अमाउंट बताया जा रहा है। उसमें 3 बाइक सवार थे, जो कि कैश कलेक्टर था उससे उसके बैग में 5,00,000 रुपये थे, वो आंखों में मिर्चा डालकर लूट कर ले गए हैं। अभी इसमें कैश कलेक्टर से पूछताछ कर आगे जांच की जा रही है।